हेलो नमस्कार, दिस इज दीप ज्योति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन द लास्ट दीप। इन लोगों को देख के शायद पता चल चुका है कि हम कहीं पे जाने वाले हैं, तो बहुत दिन से सोच रहे थे कि एक बाइक राइड पे चले, तो काम भी चल रहा था तो टाइम नहीं मिल रहा, तो इस दिन के लिए हमने फिक्स करके रखा था कि हम कहीं पे तो जाएंगे, लेकिन इतना बारिश और मौसम ज्यादा ही बिगड़ चुका है, तो इसलिए हमने ये ज्योतिषमय का गाड़ी में हम जा रहे हैं, तो कहाँ पे जा रहे हैं आप लोग को रास्ते में पता चल जाएगा, तो अभी थोड़ा सस्पेंस रखते हैं क्योंकि अभी थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक बंदे के लिए हम वेट कर रहे हैं। ये दिनेश, लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा तो पता चल जाएगा, अगर नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर चेक कर लीजिए। और ये इसका क्या करो इंट्रोड्यूस, माधव। तो बाकी एक बंदा आने वाला है तो अभी चलते है, तो नजारा कुछ ऐसा है, मतलब बारिश अब गाड़ी के शीशे में देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा रुका हुआ है तो रास्ते में बहुत ज्यादा मिलेगा, और जहाँ जाएंगे हम उधर भी शायद पूरा फॉगी होगा ना। फॉगी आप लोगों को हिंट दे देते हैं, वहाँ पे स्नो नहीं मिलेगा। लेकिन अब तो सीजन भी नहीं है इतना, अभी बारिश का मौसम है ज्यादा, पूरा मतलब बारिश। कल डिस्टेंस तो बता दो ना कितना किलोमीटर, मे बी 240 किलोमीटर फ्रॉम नौगांव, और रास्ते में बताते कि बारिश का हाल भी कैसा होता है। कल तो पूरा दिन बारिश, मतलब मैं बहुत ज्यादा भीगा बारिश में, तो ये इस बनने के लिए रुके हुए थे, तो ठीक है चलते हैं। सब लोग यहाँ पे रुके हैं क्योंकि सबको भूख लगी है, तो घर पे कुछ ज्यादा खास खा के नहीं है, तो अभी दिखा तो वहाँ पे लोग सब लोग जाके रुकेंगे और ब्रेकफास्ट कर लेंगे उधर ही, अभी तक का एक्सपीरियंस बढ़िया है। बाकी अभी जागीर रोड के लिए अभी 27 किलोमीटर बचा हुआ है, तो अभी यहाँ ब्रेकफास्ट करके अभी हम निकल जाएंगे। ये पूरी और सब्जी, पूरी सब्जी ब्रेकफास्ट करेंगे अभी। अभी शिलोंग रोड पे आ चुके हैं, अभी गाड़ी का फ्यूल भराना है, तो फ्यूल का प्राइस आप लोगों को दिखा देते हैं, 102 या 103 ऐसा है, 2000 रुपए का, 2000 का फ्यूल भर रहा है अभी। बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ इस रूट, बहुत दिनों के बाद नहीं, उस महीने से कुछ महीने के पहले आया था मैं, और मैदी माधवन में आए थे। पहाड़ों में सभी का स्वागत है, Welcome to the mountain. Bye bye. ये था उमियम लेक, तो हम अभी यहाँ पहुँच चुके हैं और दो जन पूरा नींद में, मतलब माधव और विक्की था, अभी जगह है। आते आते एक लोचा हो गया, 2000 रुपए का फटका, क्योंकि इस बंदे ने पोल्यूशन हाय बोल रहा है अभी। आते आते क्या हुआ, एक टर्निंग में एक पुलिस ने गाड़ी रुकवा दिया, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि रजिस्टर करा था ना हमने, इसलिए पता चल गया था कि पोल्यूशन नहीं है इस गाड़ी का,
इस बंदे को भी पता नहीं है पोल्यूशन फेल था। पोल्यूशन फेल था मतलब नहीं है, सही बोल रहे हैं, पोल्यूशन फेल हो गया ना। इंस्टेंट आना पड़ा हम लोगों को। अच्छा अच्छा, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स देखना मतलब बोल गए ना। हां बोले तो उसका डेट एक्सपायर्ड है तो पहले ही चला गया, तो उन लोगों को ऐसे ही पता चल गया। मतलब टेक्नोलॉजी देखिए, तो इसलिए फाइन लग गया 2000 रुपए का। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बड़ी बड़ी शहरों में छोटे छोटे बात होता है, गलती मत मानना है ना। तो इस तरफ शिलोंग टाउन और हमें अभी राइट लेना है, राइट पे सोहरा यानी सरापुंजी। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ रुके हुए हैं क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया और थोड़ा सा बूंदाबांदी अभी चालू हो चुका है और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, तो इसलिए हमने ये स्वेटशर्ट पहन लिया है। अभी अब देख सकते हैं मेरा ड्रेस अलग हो गया है, अभी ठंडा ठंडा कुछ वाइब्स आ रहा है, अभी ऐसा मतलब फील हो रहा है ठंडा ठंडा, हवा भी पूरा चल रहा है। थोड़ा सा रुक के हम निकल जाएंगे। अभी सरापुंजी पहुंचने के लिए अभी 31 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू 31 किलोमीटर से अभी बचा हुआ है अकॉर्डिंग टू गूगल आंटी। तो अभी वहाँ जाके आप लोगों को दिखा दें कि कैसा कैसा नज़ारा है। अभी अभी पीछे का तो यही है, आप देख सकते हैं ये। मुँह तो कोई बोलेगो। अभी यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो दाऊकी और सीधा मतलब राइट इस तरफ जाएंगे तो सोहरा मतलब सरापुंजी। तो यहाँ पहुँच चुके हैं अभी। क्या फॉग है, हाँ कसम। तो गाइस अभी मतलब वेदर पूरा मतलब चेंज हो गया है। अभी एक किलोमीटर ही आए हैं अभी, लेकिन पूरा मतलब फॉगी हो गया है क्योंकि एकदम बारिश चालू हो चुका है। तो अभी यहाँ पे लॉन्च करने के रुके हुए हैं, पूरा फॉग एकदम फॉगी हो रखा है, तो लॉन्च कर लेते हैं। अभी टाइम भी हो चुका है, तो अभी एक बस के 15 मिनट हो चुका है, तो अभी लॉन्च कर लेते हैं। अभी हम आ चुके हैं ऐसे लोकेशन पे, देखिए मेरे पीछे है ये झरना, झरना नीचे से होके जा रहा है और पीछे देखिए वाली दिनेश है और ये पीछे वादियाँ देखिए हिल्स। तो लंच तो पूरा कर लिया क्योंकि भूख ज़्यादा लगा था, तो अभी आगे जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली व्यू पॉइंट था, यहाँ पूरा पूरे टूरिस्ट लोग बैठे हुए और यहाँ पे कुछ पहाड़ वगैरह थे और फॉग के वजह से कुछ भी विजिबल नहीं है अभी। तो हमारी गाड़ी थोड़ी आगे है, जिस मैंने थोड़ा आगे पार्क करा तो उसके पास में जा रहा हूँ, तो विजिबिलिटी थोड़ा कम हो रखा है अभी। दादा सीधा ने
तो आते आते एक